आज की इस वीडियो में हम जो रेसिपी बनाने वाले हैं उसको आप ब्रेकफास्ट में, लंच में, डिनर में, यहाँ तक कि इवनिंग स्नैक्स में भी सर्व कर सकते हो। और ये रेसिपी ऐसी है कि अगर आपके कोई गेस्ट आ रहे हैं तो आप उनके सामने भी बना सकते हो, या फिर आप घर पे सिंपल खाना खाते खाते बोर हो गए हो और कुछ अलग बनाना चाहते हो तो आप इस रेसिपी को ट्राई कर सकते हैं। और ये रेसिपी है मसाला बाटी। तो क्योंकि ये स्टफ्ड बाटी होती है तो या तो आप इसको दाल के साथ सर्व कर सकते हैं, या फिर आप इसको सिंपल अचार के साथ, मिर्च के अचार के साथ मेनली, या फिर चटनी के साथ सर्व कर सकते हैं। हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल इंडिया ईट्स। मैं हूँ वत्सला वर्मा। तो मसाला बाटी बनाना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम बाटी के लिए डो बनाना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर डाल रहे हैं 2 कप गेहूँ का आटा, और नेक्स्ट हम डाल देंगे 1/2 कप सूजी। जो सिंपल हम उपमा बनाने के लिए सूजी यूज़ करते हैं हम वही डाल रहे हैं। और 1 टेबलस्पून अब डालेंगे बेसन, 1/2 टीस्पून अजवाइन, 3/4 टीस्पून हम नमक डाल रहे हैं, और 1/4 टीस्पून हम डाल रहे हैं यहाँ पर बेकिंग सोडा, यानी कि खाने वाला सोडा। एक बार इन सारे इंग्रेडिएंट्स को मिक्स कर लेंगे। और अब हम थोड़ा थोड़ा करके इसमें घी डालेंगे। तो जैसे हम पापड़ी बनाते हैं या फिर हम समोसे के लिए भी जो डो बनाते हैं उसमें हम थोड़ा थोड़ा घी डालते हैं या फिर ऑयल डालते हैं, और उसके बाद फिर चेक करते हैं इसे लड्डू बना करके कि कितना ऑयल हमें और चाहिए। बिल्कुल वैसे ही हम इसमें घी डालेंगे, थोड़ा थोड़ा करके हम घी डालेंगे। और अब ऐसे लड्डू बना के देख लेंगे कि अभी और घी की रिक्वायरमेंट है कि नहीं। तो जब ऐसे शेप बन जाए और ये टूटे ना तो इट मींस कि घी इनफ हो गया है। तो टोटल इसमें हमने 1/2 कप घी डाला है। और नेक्स्ट अब हम थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए इसका डो बनाएंगे। बहुत ज़्यादा पानी नहीं डालना आपको, और बहुत कम भी नहीं डालना कि आटा बिखरता रहे। तो बस थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इसको इकट्ठा कर लें। तो आटा हमने गूंद लिया है और अब इसको कम से कम हम 20 मिनट तक रेस्ट करने के लिए रखेंगे। और जब तक हमने आटे को रेस्ट करने के लिए रखा हुआ है तब तक हम मसाला बना लेते हैं। तो सबसे पहले पैन में डाल लेंगे 2 टीस्पून घी, 1/2 टीस्पून हम जीरा डालेंगे। जीरा स्प्लटर होने के बाद हम इसमें डाल देंगे 1 कटी हुई प्याज, और प्याज को हम गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई कर लेंगे लो टू मीडियम फ्लेम पर। जो बाटी होती है उसमें घी ज़्यादा यूज़ होता है, एक्चुअली उसमें घी का ही फ्लेवर आता है, और जो ट्रेडिशनल बाटी बनती है वो तो घी में ही फ्राई होती है। तो हम इसको फ्राई नहीं करेंगे, बेक करेंगे, लेकिन उसके अलावा और चीज़ों में हम घी का ही यूज़ करेंगे, जैसे कि मसाला बनाने में, आटा गूंदने में। अब नेक्स्ट हम डालेंगे कुछ सूखे मसाले। यहाँ पर हम डाल रहे हैं 1 टीस्पून धनिया पाउडर, 1/2 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर, 3/4 टीस्पून गरम मसाला, और मसालों को भी अब 1 मिनट तक भून लेंगे जिससे अच्छे से उनका फ्लेवर आए। और ये है उबले हुए आलू। तो आलू को आप पहले बॉईल कर ले, उसके बाद उसका छिलका हटा के उसको छोटे छोटे कट कर ले। डाल देंगे इसमें और साथ में हम डाल देंगे थोड़ी सी मटर, अराउंड 2 टेबलस्पून हम मटर डाल रहे हैं। आप चाहे तो मटर को स्किप भी कर सकते हैं, और अगर आप मटर डाल रहे हैं तो मटर को भी आप बॉईल करके डालें। और अब हम इसमें डाल देंगे 1 टीस्पून नमक, और अब लो फ्लेम पर ही मिक्स करते रहेंगे और हल्का हल्का आलू को मैश करते रहेंगे। आप चाहे तो आलू को ऐसे कट करके डाल सकते हैं और फिर मिक्स करते हुए मैश कर सकते हैं, अदरवाइज़ आप पहले से ही हाथों से आलू को मैश कर लें और उसके बाद डालें। तो अब कम से कम 10 मिनट तक हम आलू को भी भूनेंगे, लो फ्लेम पे मिक्स करते रहेंगे। तो 10 मिनट तक हमने कुक कर लिया था और साथ साथ मैश भी कर लिया था। अब हम हटा लेंगे और आलूओं को पूरा ठंडा होने के बाद ही यूज़ करेंगे। तो मसाला हमारा बन गया है, डो को भी हमने रेस्ट करने के लिए रख दिया है। अब बाटी में स्टफिंग करना शुरू करते हैं। आप देख सकते हो यहाँ पर ये आटा बिल्कुल भी सॉफ्ट नहीं है, तो ऐसे ही आपको इसका आटा गूंदना है। और अब थोड़ा पोर्शन लेंगे हम, जैसे हम चपाती बनाने के लिए लेते हैं।
और ऐसे हाथों से राउंड शेप देंगे। अब थोड़ा थोड़ा प्रेस करते हुए इसको फ्लैट करेंगे, जैसे हम स्टफ्ड परांठे के लिए करते हैं। और अब इसमें 1 to 1.5 टीस्पून हम मसाला रख देंगे। और अब हम चारों तरफ से इसको सील करेंगे। दोबारा से हाथों से राउंड शेप देंगे। और क्योंकि ये आटा सॉफ्ट नहीं है तो ऐसे आपको लगेगा कि ये फिर से खुल रहा है, तो ऐसे थोड़ा थोड़ा पिंच करते हुए आप फिर से सील कर दें। जब तक ये बिल्कुल अच्छे से सील ना हो जाए, हम ऐसे ही थोड़ा थोड़ा पिंच करते रहेंगे, फिर हाथों से राउंड शेप देंगे। तो ऐसी हमें सारी बाटी बनानी है। तो आप देख सकते हो यहाँ पे परफेक्ट एक राउंड हमने बाटी बना ली है, और ऐसी ही हम सारी बाटी बना लेंगे। बस थोड़ा सा पोर्शन लेंगे, फ्लैट करेंगे, स्टफिंग रखेंगे जैसे हम स्टफ्ड परांठा के लिए करते हैं, और फिर चारों तरफ से सील कर देंगे। और अब हमें करना है बाटियों को बेक, तो ये लास्ट स्टेप है इनको बनाने का। आप चाहे तो इनको फ्राई भी कर सकते हैं, और आप चाहे तो इनको ओवन में भी बना सकते हैं या फिर एयर फ्रायर में भी बना सकते हैं, लेकिन हम इसको बनाएंगे आज कढ़ाई में, जिससे सभी इसको ईजीली बना सकें। तो जैसे हम केक को कढ़ाई में बेक करते हैं, वैसे ही हम कढ़ाई में इनको बेक करेंगे। पहले कढ़ाई में डाल देंगे थोड़ा सा नमक, और उसके बाद हम एक स्टैंड रख देंगे जिसके ऊपर हम बाटी रख के बेक करेंगे। ढककर कम से कम 5 से 7 मिनट तक हम इसको लो फ्लेम पर प्रीहीट करेंगे। और जब तक हमारी कढ़ाई प्रीहीट हो रही है, तब तक हम बाटियों में, क्योंकि हम फ्राई तो कर नहीं रहे हैं, लेकिन इनको बेक करने से पहले हम थोड़ा सा ऊपर से और घी लगाएंगे, जिससे अच्छे से सिक सके और गोल्डन ब्राउन कलर इनका आए। तो सारी बाटियों में हमने घी से ब्रशिंग कर दी है, और कढ़ाई भी प्रीहीट हो गई है। और बाटी रखने से पहले हम स्टैंड पे भी एक बार घी से ब्रशिंग कर देंगे, जिससे ये चिपके ना। और जब हम बाटी रखेंगे तो थोड़ा सा गैप में रखेंगे, क्योंकि बेक होते हुए ये फूलेंगी। तो पहले हमने 5 बाटी रखी है, और उसके बाद हम दोबारा बाकी की बेक करेंगे। तो दोबारा से जो नीचे की साइड पे हमने घी नहीं लगाया था, उस साइड पे भी बाटियों में घी लगा लेंगे। लिड से कवर कर देंगे, और एक साइड हम कम से कम 10 से 15 मिनट तक बेक कर लेंगे। और अब लिड से कवर करके कम से कम 10 से 15 मिनट तक हम एक साइड पहले बेक कर लेंगे। तो 15 मिनट के बाद आप देख सकते हो यहाँ पे बाटी थोड़ी थोड़ी कुक हो गई है नीचे से। और अब हम इनकी साइड चेंज करेंगे, और दूसरी साइड भी हम ऐसे ही 10 से 15 मिनट तक बेक कर लेंगे। तो एक साइड तो आप देख सकते हैं कि अच्छे से बेक हो गई है, दूसरी साइड भी हम ऐसे ही करेंगे। और अगर आप इनका कलर थोड़ा सा कम ब्राउन रखना चाहते हैं, तो आप ऐसे बीच बीच में चेक करते रहें, और जैसी नीचे से कुक हो जाए वैसे ही आप उसकी साइड चेंज कर लें। तो 10 मिनट के बाद अब देख लेते हैं, बाटी अच्छे से बन गई है, और ऐसी हम बाकी की बाटी भी बना लेंगे। पहले बाटी को हमने ज़्यादा टाइम तक बेक किया था, 15 मिनट तक, और ये वाला लॉट हमने खाली 10 मिनट तक बेक किया था। तो आपको कैसी बाटी चाहिए, अगर ज़्यादा क्रिस्पी चाहिए तो आप इसको ज़्यादा टाइम तक बेक कर सकते हैं। तो अब इनको सर्व कर लेते हैं। जब मैंने सिंपल बाटी की रेसिपी बनाई थी, तब साथ में दाल की रेसिपी बनाई थी, आप चाहे तो चेक कर सकते हैं। लेकिन क्योंकि ये स्टफ्ड बाटी है, तो हम इसको अचार के साथ या फिर चटनी के साथ भी सर्व कर सकते हैं। और मैं भी आपको ये तोड़ के दिखाती हूँ कि ऊपर से कितनी क्रिस्प और अंदर से कितनी सॉफ्ट है ये। तो ज़रूर ट्राई करें इस रेसिपी को अपने घर पर, हेल्दी भी है और ईजी भी है बनाना। और अगर आपको ये रेसिपी और वीडियो अच्छी लगी तो कीजिए लाइक और शेयर। और अगर आप न्यू हैं हमारे चैनल पे और हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो कीजिए सब्सक्राइब, और साथ साथ प्रेस करें बेल आइकन को, जिससे आपके पास हमारी लेटेस्ट रेसिपीज़ की नोटिफिकेशन आ सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग।